माँ गंगा में स्नान करने के रेलिंग के अंदर, रेलिंग के बाहर बिल्कुल न जाए। बाहर आप स्नान न करें, माँ गंगा की जो मूर्तिमान रूप माँ गंगा का अति भव्य उत्सव भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ मूर्तिमान रूप है। और हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रहे हैं, सबको ये माँ गंगा का जो अद्भुत शाम का समय है, समक्ष बिल्कुल जाकर मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की चार प्रतिमा। और इसी के दोस्तों बिल्कुल बगल में पंचदीप पार्किंग है, अगर आप बाहर से कहीं से आते हैं तो आप देखते हैं पक्षियों का कलर बहुत ही अद्भुत दोस्तों, छोटे छोटे पक्षी यहाँ पर। और ब्रिज के नीचे मिट्टी का घोंसला लोग अपना बनाते हैं, आप जो है देख सकते हैं दीपावन। और यहाँ से जो है माँ गंगा की हर की पौड़ी का दृश्य अति भाव अति ये पुल आपको ये जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सीधा का सीधा जो आप अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, रुड़की से आ रहे हैं, सहारनपुर से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जैसे भगवान भोलेनाथ की जल प्रतिमा है, तो इसके जिसको पुल पार करते हैं आपको लेफ्ट साइड में पंदीप पार्किंग मिलेगी। अच्छी खासी पार्किंग है, थोड़ी कच्ची है, बरसात में कीचड़ होता है, लेकिन आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके दोस्तों इस पुल के द्वारा सीधे का सीधे आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेगा, आप जो सीधा हर की पौड़ी पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप अगर हर की पौड़ी वाली साइड आना चाहेंगे अपनी गाड़ी से तो बहुत ही मुश्किल है, आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ जाएगा। तो मेरा यही आपको परामर्श है कि आप जब भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आएँ तो हर की पौड़ी में स्नान करने अगर आ रहे हैं आप, तो आप पंदीप पार्किंग में गाड़ी लगाएँ, क्योंकि सबसे बढ़िया पार्किंग दोस्तों और अच्छी जगह है, वहाँ पर खुली खुली जगह है। और सबसे बढ़िया बात है कि बिल्कुल हर की पौड़ी पर आप पहुंच जाते हैं एकदम से, जैसे बुजुर्ग आपके साथ हैं कोई नहीं ज़्यादा चल सकते उनके लिए आप बिल्कुल सही जगह पार्किंग है, तो आप देख सकते हैं। मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसका आप लाभ उठाएंगे। हर गंगे जय माता।